आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि BGMI में नेक्स्ट जो डिस्कवरी इवेंट आने वाला है वो किस डेट को आने वाला है, और साथ में जो BGMI में 2.9 का अपडेट आने वाला है वो किस डेट को आने वाला है, और साथ में आप लोग को जो है BGMI में 2.9 अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, सारा सब कुछ आप लोग को ये वाली वीडियो में मालूम हो जाएगा। तो बस आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे BGMI से रिलेटेड डेली ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहती है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो है न्यू, जैसे अगर आप लोग को याद होगा जूजुस्टून कैसे, और साथ में जो है डिस्कवरी इवेंट, और भी काफ़ी सारे जो है इवेंट BGMI में आ चुके हैं और आप लोग को पता ही होगा। अभी बात करते हैं कि BGMI में ऐसा रिलेटेड जो है न्यू डिस्कवरी इवेंट कब आने वाला है। तो BGMI में जैसे 2.9 का अपडेट आ जाएगा, और आप लोग को पता ही होगा इस बार BGMI में 2.9 अपडेट में विंटर अपडेट आने वाला है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि BGMI में जैसे नेक्स्ट अपडेट आएगा, अभी तो आप लोग जो है ज़ॉम्बी मोड खेल रहे हो, बट जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा ना आप जो है विंटर मोड खेलने लगोगे, और उसमें इतनी कमाल की चीज़ें ना क्या ही बताऊँ आप लोग को। एक तो उसमें जो है लगभग घोड़ा आने वाला है, मेरे को उसको पता नहीं क्या बोलते हैं क्योंकि मैंने अभी उसकी इतनी ज़्यादा लीक देखी नहीं है, ऊपर लीक मैंने देख रखी है, और PUBG मोबाइल मैंने खेला भी है क्योंकि PUBG मोबाइल में जो है 2.9 का अपडेट आ चुका है। तो इसकी वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को जो है मोटे मोटे चेंजेस बताया था, जो मतलब आप लोग को जो 100% देखने के लिए मिलने ही मिलने वाले हैं, मैं आप लोग को वे चेंजेस बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को जो है एक घोड़ा देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप लोग जो है गाड़ी चलाते हो ना ऐसे आप लोग को जो एक टू व्हीलर मतलब एक घोड़े पे तुम टीममेट दो बैठ सकते हो और कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब बहुत ही कमाल का है वो। और साथ में एक अपडेट मैं आप लोग को और बता देता हूँ, मतलब एक बड़ा चेंज इसकी, आप ना एजी से मिनी मटेरियल ले सकते हो, और मिनी मटेरियल से आप लोग को पता ही है आप जो है क्या क्या गन को अपग्रेड कर सकते हो। लाइक आपको ना लगभग 1800 AG में आप लोग को जो है एक मिनी मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग के पास अभी भी AG कम है तो AG को अपने बचा के रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि AG से 2.9 के अपडेट में क्या क्या आप लोग को रिवार्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं, फिर आप लोग को पछताना रह जाएगा कि इससे अच्छा तो यार हम जो है सप्लाई के रेट या फिर AG ऐसे बर्बाद ना करते तो आज हमारे पास भी ये सब चीज़ें होती। तो मैं आप लोग को पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अपने AG को जो है जितना हो सके उतना बचा के रखो। मेरे को भी अभी लगभग 10 या फिर 15 दिन पहले ही पता चला है, मेरे को नहीं पता था, मैं भी अपने AG जो है सप्लाई के रेट में यूं ही बिरान कर देता था। तो अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो अब नेक्स्ट मतलब ये गलती आगे मत करना। अभी बात करते हैं कि और आप लोग को क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग को जो है BGMI में न्यू करेक्टर कब देखने के लिए मिलने वाला है, और साथ में करेक्टर वाउचर के इवेंट क्या BGMI में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो मैं आप लोग को एक बता देता हूँ कि ऐसा कोई लीक नहीं निकल के आई है कि BGMI में न्यू करेक्टर आएगा या फिर न्यू करेक्टर वाउचर के इवेंट आने वाले हैं। हम प्लेयर को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है BGMI में, ना ही कोई न्यू करेक्टर देखने के लिए मिलने वाला है और ना ही करेक्टर वाउचर के इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये मेरे को मालूम नहीं है कि कब तक हम लोग को जो है करेक्टर या फिर करेक्टर वाउचर के इवेंट नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जब मिलेंगे मैं आप लोग को जो है पहले ही बता दूंगा कि BGMI में न्यू करेक्टर या फिर न्यू करेक्टर वाउचर के इवेंट आ रहे हैं। अभी बात करते हैं कि और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं BGMI में 2.9 अपडेट के साथ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि BGMI में न्यू रॉयल पास कब आएगा, और साथ में फिर बात करेंगे कि BGMI में जो है 2.9 का अपडेट कब आएगा। तो BGMI में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रॉयल पास। तो BGMI में रॉयल पास आप लोग को जो है 20 या फिर 21 डेट को मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा, और 20 तारीख को जो है आप लोग की RP लॉक हो जाएगी 5:30 बजे, और 7:30 बजे फिर अनलॉक कर दी जाएगी। तो अगर आप लोग के RP के मिशन या फिर अगर आप लोग की अभी RP कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर देना, अभी आप लोग के पास 5 या फिर 6 दिन अभी और हैं तो आप लोग जो है कंप्लीट कर पाओगे। अभी बात करते हैं कि BGMI में 2.9 का अपडेट हम लोग को कब देखने के लिए मिलने वाला है। तो BGMI में हम लोग को 2.9 अपडेट का अपडेट मतलब दिसंबर में 11 या फिर 12 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को एक महीना और ये ज़ॉम्बी एज मोड ही खेलना पड़ेगा, और इतना घटिया मोड है ना ये, मैं क्या ही बताऊँ यार, इससे इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ मैं कि मुझे आज तक होली धमाका मेरा सबसे घटिया अपडेट था BGMI में, बट होली धमाके के बाद अगर मेरा कोई सबसे घटिया मोड है ना वो मैं इसको ही बोलूँगा कि भाई ज़ॉम्बी एज मोड, और ये इतना बकवास मोड है क्या ही बोलूँ इसके बारे में। और आप लोग मेरे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग को ये वाला मोड कैसा लगा। बाकी मैंने तो अपना ओपिनियन आप लोग को शेयर कर दिया कि मेरा तो भाई इतना घटिया मोड है ना, खेलने का भी मन नहीं करता, मैं तो कभी कभार रैंक खेलने लग जाता हूँ भाई इस मोड के, इतना दिमाग खराब हो जाता है ना। अभी बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्लासिक क्रेट में कुछ बंदे बोल रहे हैं कि M4 ग्लेशियर आ सकती है, तो इसका मैं 100% जो है सिक्योर नहीं हूँ कि जो है
ग्लेशियर आएगी आएगी, वो भी क्लासिक क्रेट में, पेड़ क्रेट में जो है आ सकती है, बट सप्लाई क्रेट का मेरे को मालूम नहीं है। और अगर मालूम मेरे को पड़ता है तो मैं आप लोग को वीडियो में बता दूंगा कि आपको अपनी जो है क्लासिक क्रेट जमा कर लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, बार मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी यही ताज वाली वीडियो में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोग यहाँ पर BGMI से रिलेटेड डेली ऐसी अमेजिंग अमेजिंग और टिप्स वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ और लाइक भी कर देना। चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।